दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है, क्योंकि इस संबंध में बहुत लोग पूछते हैं और सही समझ नहीं पाते हैं, कब्जे में और अतिक्रमण में क्या अंतर है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अतिक्रमण को कब्जा समझते हैं, लेकिन अतिक्रमण जो है वो सदैव अवैध होता है, कभी वैध नहीं हो सकता। और कब्जा जो है वो दोषपूर्ण भी हो सकता है और ठीक ठाक सही कब्जा भी हो सकता है, लेकिन अतिक्रमण सदैव गलत ही होता है। दोस्तों आज अंतर समझते हैं अतिक्रमण में और कब्जे में क्या अंतर है। दोस्तों कब्जे का मतलब होता है कि जब आप किसी संपत्ति पर या उसके कुछ भाग पर अपना स्वामित्व होते हुए या स्वामित्व पूर्ण वैध ढंग से कब्जे में होते हैं, पोजीशन में होते हैं, तो उसको कहते हैं कि कब्जा है। कब्जे का मतलब है उसका आप उपभोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपकी कोई जमीन है, उस जमीन को आपने किसी को टेनेंट माने किराए पर दे दिया है, तो किराएदार उसमें रह रहा है, लेकिन वास्तविक कब्जा आपका है, क्योंकि आप किराया वसूल रहे हैं, आप उसके मालिक हैं, तो कब्जे में आप ही कहे जाएंगे, वो व्यक्ति कब्जे में नहीं कहा जाएगा। कब्जा उस समय उसका हो जाएगा जब आपने उससे ना तो किराया लिया है और ना ही उससे उसको आप बाहर निकाल रहे हैं, आपने उसको परमिशन भी नहीं दी थी वहां रहने की, विदाउट परमिशन वो रहने लगा और आपने उसका विरोध भी नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं, किसी प्रकार से उसको हटाया नहीं, तो ऐसे कब्जे वो भी कब्जा है। तो ऐसे में कब्जा आपका ना होकर के उस व्यक्ति का हो जाएगा जो वहां रह रहा है, लेकिन एक किराएदार जब रहता है तो कब्जा उसके मालिक का कहा जाता है, ना कि किराएदार का, क्योंकि वो किराएदार अपने उस मालिक के इशारे पर काम करता है, उसने कहा खाली करो तो खाली करना पड़ेगा। मकान में पुताई का काम मकान मालिक करवाता है, किराएदार नहीं, इसलिए कि किराएदार का कब्जा नहीं है, कब्जा उसमें मालिक का ही माना जाता है। लेकिन दोस्तों अतिक्रमण क्या होता है? अतिक्रमण ऐसा होता है कि जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए आप किसी भी तरह से परमिटेड ना हो, परमिट ना किया गया हो आपको कि आप कब्जा कर सकें, और फिर भी आप उस पर जबरन या धोखे से या चुपचाप बिना बताए इनक्रोचमेंट कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह में घुसते हैं माने ट्रेसपासिंग करते हैं, तब कहा जाता है कि आपने अतिक्रमण किया है। और ऐसा अतिक्रमण सदैव से इलीगल होता है, कभी लीगल नहीं हो सकता। और ऐसे इलीगल इनक्रोचमेंट को, अतिक्रमण को कभी भी हटाया जा सकता है। दोस्तों जैसे तालाब की भूमि है, तालाब की भूमि पर आपको केवल पट्टा होने के बाद ही मछली पालन या सिंघाड़ा पालन या और किसी काम के लिए आपको अलॉटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके इतर अगर आप उसमें कोई निर्माण कार्य करने लगते हैं, किसी प्रकार का कब्जा करते हैं, तो उसको कब्जा नहीं कहा जाएगा, इनक्रोचमेंट कहा जाएगा, माने आपने अतिक्रमण कर लिया है जानबूझ करके, जिससे आपको हटा दिया जाए और हटा दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी कोई संपत्ति जिस पर कब्जा करना प्रोहिबिटेड है माने निषेधित है, जिस पर कब्जा नहीं कर सकते, जैसे आप किसी मंदिर में चले गए, उसके किसी पार्ट में आपने आप घुस गए हैं और ट्रेसपासिंग कर दी है आपने, माने अतिचार कर दिया। अतिचार का मतलब होता है उस मालिक की मर्जी के बिना उसमें बने रहना। तो जब आप ट्रेसपासिंग करते हैं तो ऐसी ट्रेसपासिंग जिसपे कानून ने पहले से ही रोक दिया है कि इसमें कोई ट्रेसपासिंग नहीं होगी, तो उसको अतिक्रमण कहते हैं, कब्जा नहीं कहते हैं। और दोस्तों अतिक्रमण हमेशा हटाने योग्य होता है, और अतिक्रमण हटाए जाने पर कोर्ट भी बोल सकता है, स्थानीय निकाय को पूरा पावर है, और योगी जी बुलडोजर चला ही रहे हैं, वो अतिक्रमण पे चलाते हैं, कब्जे पर नहीं। कब्जे से हटाने के लिए तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, बिना कोर्ट के आर्डर से आपको डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता, लेकिन वो पोजीशन आपका वैलिड होना चाहिए। इनवैलिड पोजीशन तो पोजीशन में ही नहीं आएगा, वो तो इनक्रोचमेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से जो एडवर्स पोजीशन वाला मामला है, उस एडवर्स पोजीशन में भी यही है कि जब आप पोजीशन में 12 इयर्स तक रहेंगे और उसको इनक्रोचमेंट नहीं कहेंगे, हालांकि उस समय तक वो इनक्रोचमेंट ही है जब तक आप 12 साल का समय नहीं पूरा कर लेते, और जो रियल आनर है वो आपके हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं शुरू करता, लेकिन अगर वो 12 साल का समय बीत गया है तब आप उसमें ट्रेसपासर नहीं रह जाते, तब आप उसमें मालिक होने का दावा करते हैं। तो दोस्तों आज अतिक्रमण और कब्जे के संबंध में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अगर इसमें भी कोई बात विशेष हो, पूछनी हो, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगा कि ये बताना है।
इसलिए मैंने बता दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।